व्हाट इज अप गाइस, दिस इज निखिल हियर और आज हम बात करेंगे रेडमी 9 के बारे में जो अभी अभी रिसेंटली स्पेन में जो है वो लॉन्च हुआ है। स्मार्टफोन जो है बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन है और प्राइस के हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, तो उसी के बारे में वीडियो रहेगी। वेलकम गाइस टू द चैनल, इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब इट। दिस इज निखिल, यू आर वॉचिंग टेक्स्ट एंड दिस वीडियो इज अबाउट रेडमी 9। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिज़ाइन की बात कर ले तो इसका डिज़ाइन जो है पोको X2 जैसा है। बैक में जो है सर्कुलर शेप का कटआउट देखने को मिल जाता है और वर्टिकली स्टैक जो है वो हमारे कैमराज है। इसमें भी क्वाड कैमरा सेटअप है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस प्राइस के हिसाब से। फ्रंट पे हम आ जाए तो हमारे 6.53 इंचेस की फुल HD पैनल देखने को मिलता है। ऑब्वियसली IPS पैनल है और इसमें जो है ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें, प्लास्टिक बिल्ड है इसमें, बट ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें ना तो ये काफ़ी अच्छा है इस प्राइस के हिसाब से। और नार्जो 10 से तो जो बेटर ही है क्योंकि नार्जो 10 भी इसी प्राइस में पड़ता है और इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपेरेबल है। और अगर आपको नार्जो 10 के बारे में और जानना है तो मैंने उस पर पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर जो है चेक कर सकते हैं। बाकी रियलमी रेडमी 9 पे आ जाए तो ओवरऑल डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फ्रंट का जो हमें ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है वो कैमरा जो है हमारा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक में जो हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है उसके साथ ही जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है वो बैक में हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। कैमराज की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का हमारा प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। आई होप सो ये वही मैक्रो लेंस है जो अदर पोको में जो है वो यूज़ हुआ था, काफ़ी अच्छा मैक्रो लेंस है। और उसके साथ एक 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में भी स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा दिख रहा है और डिज़ाइन भी जो है ठीक ठीक है इस प्राइस के हिसाब से। इस प्राइस के हिसाब से तो वैसे अच्छा ही है। बाकी बात करें हम इसके इंटरनली, तो इंटरनली जो है हमें इसमें हीलियो G80 देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और इस प्राइस पे जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो निकाल के देता है। नार्जो 10 में भी जो हमें यही प्रोसेसर देखने को मिला था और उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। उसके बाद हम आ जाए इसकी बैटरी पे, तो बैटरी इसकी जो काफ़ी बड़ी है, मतलब 5020 mAh की है जो बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ ये जो 18W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, बट इसमें जो है सिर्फ 10W का फास्ट चार्जर जो है वो इसके साथ, मतलब स्मार्टफोन के साथ सिर्फ 10W का फास्ट चार्जर आता है, तो वो थोड़ा सा जो है मतलब कैच है। मतलब मेरे ख्याल से 18W फास्ट चार्जिंग होता यूज़ आएगा ही नहीं मेरे हिसाब से। अगर इतने प्राइस का आप स्मार्टफोन ले रहे हो तो आप जाके एक्स्ट्रा 5 पैसे नहीं खर्चोगे 18W का फास्ट चार्जर लेने के लिए, बट देखते हैं बाकी कैसा परफॉर्म करता है, इट्स गुड टू हैव इट। और बाकी अब इसकी प्राइस पे आ जाएं तो इसका प्राइस जो है वो 332 वेरिएंट जो इसका है वो 149 यूरोस का जो है वो लॉन्च हुआ है, जो करीब 12,800 पे पड़ता है। और इसका 464 वेरिएंट जो है वो 180 यूरोस का जो है वो लॉन्च हुआ है, जो करीब 15,400 के जो है आसपास पड़ता है। बट इस प्राइस पे मत जाना, जब ये इंडिया में लॉन्च होगा रेडमी 9 तो ये जो है अराउंड 10,000 के आसपास ही लॉन्च होगा लोअर स्पेक वेरिएंट। उस प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन जो है काफ़ी बढ़िया होता है। वैसे कुछ कुछ आपको इस प्राइस में ना 10-12,000 के आसपास जो है इस टाइम पे भी काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएंगे, जिनमें स्नैपड्रैगन 665 आपको आसानी से मिल जाएगा। बट उनमें जो है माइक्रो USB रहेगा और कुछ कुछ जो है मतलब पुराने, मैं कहूँ कि उतने ज़्यादा एडवांस नहीं होंगे वो स्मार्टफोन। और अगर आप थोड़ा सा और बजट कर सकते हो तो 13,000 में रियलमी 6 विल बी द बेस्ट चॉइस। बट अगेन ये स्मार्टफोन जो है मतलब बिल्कुल नया जो है वो आएगा, इसमें एंड्रॉयड लेवल नया होगा, MIUI नया होगा और ओवरऑल इसमें चिपसेट भी जो है नया होगा, तो होप सो ये अच्छा ही परफॉर्म करे। बट देखते हैं स्मार्टफोन जब लॉन्च होता है फाइनली इंडिया में किस प्राइस पे लॉन्च होता है और कैसा परफॉर्म करता है। सो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपको कोई सजेशन हो वीडियो पे तो बिल्कुल जो आप कमेंट में बता सकते हैं और ये ज़रूर बताना कि ये स्मार्टफोन कैसा लगा। बाकी दैट्स इट, दिस इज निखिल, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।